बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना सीखा, उसको रीस्टार्ट करना सीखा, और डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स में हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड की सेटिंग तक समझ चुके थे। डेस्कटॉप बैकग्राउंड से नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो विंडो कलर की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये स्काई सिलेक्टेड है। विंडोज़ कलर में जो भी विंडो आप ओपन करते हैं उसकी टाइटल बार का कलर, स्क्रीन की बॉर्डर्स का कलर और स्टार्ट मेन्यू और टास्क बार, इन सब का कलर वही होगा जो विंडोज़ बॉर्डर का होगा। अब इस पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू विंडो हमारे पास सामने आ जाती है। इसमें हम देख रहे हैं कि डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन दी गई हैं। अब इनमें से हम चॉकलेट कलर पे क्लिक करते हैं। तो देखिए स्टार्ट मेन्यू, विंडो और टास्क बार का कलर चेंज हो गया है। इसके नीचे इनेबल ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन दी गई है और इसके साथ ही एक बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स पे क्लिक करने से टास्क बार, विंडो बॉर्डर्स और स्टार्ट मेन्यू ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं और इनके पीछे जो भी आइटम या विंडो होगी वो भी किसी हद तक नज़र आने लगेगी। इस ट्रांसपेरेंसी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसा कि हम कलर इंटेंसिटी के सामने इस बार को माउस की हेल्प से कम या ज़्यादा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये कलर ट्रांसपेरेंट और डार्क हो रहा है। इसके नीचे शो कलर मिक्सर की ऑप्शन है। इसके साथ बने हुए इस एरो पे क्लिक करने से हमारे सामने तीन स्लाइडिंग बार आ जाती हैं। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से स्टार्ट मेन्यू, विंडो और टास्क बार का कलर बना सकते हैं। फ़िलहाल हम सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और पहले वाली विंडो हमारे सामने आ जाती है। इस विंडो में हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन है साउंड की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त इसके नीचे डिफ़ॉल्ट विंडोज़ लिखा हुआ आ रहा है। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने साउंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें नीचे टैब्स में डिफरेंट साउंड स्कीम दी गई हैं। साउंड स्कीम से मुराद है कि जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं या कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त या उस मौके पर हमें कंप्यूटर से साउंड सुनाई देता है। साउंड स्कीम में दिए गए इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम आफ्टरनून की स्कीम को सिलेक्ट करते हैं। इस स्कीम के लिहाज से प्रोग्राम्स इवेंट में हम देख सकते हैं कि डिफरेंट इवेंट्स पर हमें किस तरह की साउंड सुनाई देगी। इसमें हम देख सकते हैं कि जिन इवेंट्स के साथ स्पीकर का निशान है उसको प्ले करने से वही साउंड हमें सुनाई देगा और जिन साउंड के साथ स्पीकर निशान नहीं बना हुआ है उसके साथ हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कोई सा भी साउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। साउंड को सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले इवेंट को सिलेक्ट करना है और फिर साउंड के नीचे इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक साउंड को चूज़ करते हैं। तो आप देखिए कि इस इवेंट के साथ भी एक स्पीकर बना हुआ आ रहा है लेकिन ये स्पीकर अभी येलो कलर में है। अब हम अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये नॉर्मल कलर में आ जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर में डिफरेंट काम करने पर हम अपनी मर्ज़ी के डिफरेंट ऑडियो या साउंड इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब हम ओके का बटन प्रेस करते हैं और पहली वाली विंडो की तरफ आते हैं। इस विंडो में लास्ट ऑप्शन राइट साइड पे स्क्रीन सेवर का ऑप्शन है जिसके नीचे नन लिखा हुआ है। आइए अब हम स्क्रीन सेवर के बारे में जानते हैं। जैसे कि नाम से ही जाहिर है स्क्रीन सेवर हमारी स्क्रीन को महफूज रखने के काम आता है। हम स्क्रीन सेवर की ऑप्शन को क्लिक करते हैं
तो हमारे सामने स्क्रीन सेवर की सेटिंग का डायलॉग बॉक्स सामने ओपन हो जाता है। में आप एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देख रहे हैं जिसके ऊपर स्क्रीन सेवर लिखा हुआ है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में 3D टेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करने से ऊपर बने हुए मॉनिटर की स्क्रीन पे विंडोज 7 लिखा हुआ आ गया है। ये टेक्स्ट रोटेट भी हो जाता है। स्क्रीन सेवर लिस्ट के सामने दो बटन्स हैं, पहले बटन पर सेटिंग्स और दूसरे पर प्रीव्यू लिखा हुआ है। हर बटन्स के लिए सेटिंग्स चेंज होती हैं। हम आपको कोई एक आइटम सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग दिखाते हैं। सेटिंग्स के साथ वाला बटन जिस पे प्रीव्यू लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करने से जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो स्क्रीन सेवर हमारे लिस्ट में सिलेक्ट किया हुआ था और जो सामने बने मॉनिटर पर नज़र आ रहा था, अब वो हमारी पूरी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका मतलब यह है कि प्रीव्यू का बटन प्रेस करने से हम ये देख सकते हैं कि जो स्क्रीन सेवर हमने सिलेक्ट किया है वो हमारी स्क्रीन पर कैसा लगेगा। अब जैसे ही हम माउस को हिलाते हैं तो हमारे सामने आया हुआ स्क्रीन सेवर गायब हो जाता है। मीन्स हमने स्क्रीन सेवर को स्क्रीन से हटाने का तरीका भी सीख लिया। हम माउस को हिलाने के बजाय अपने कीबोर्ड पर कोई बटन प्रेस कर दें तो भी स्क्रीन सेवर गायब हो जाएगा। इन बटन्स के नीचे वेट के सामने 1 मिनट लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर हम अपने कंप्यूटर पर कोई काम नहीं करते तो स्क्रीन पर स्क्रीन सेवर ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। हम इन एरोस पर क्लिक करके इसका टाइम भी बढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसका टाइम बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया है। अब हम अप्लाई के बटन देन ओके का बटन प्रेस कर देते हैं और वापस पहले वाली विंडो पे आ जाते हैं। इस विंडो के लेफ्ट साइड पे एक पैन नज़र आ रहा है जिसमें मज़ीद ऑप्शंस दी गई हैं। आप इनमें से हर एक पे क्लिक करके मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ़िलहाल हम डिस्प्ले की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन हुई है। इस स्क्रीन में लेफ्ट साइड पे हमें चेंज डिस्प्ले सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं तो एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। इस स्क्रीन में सबसे पहले डिस्प्ले के सामने हमारे मॉनिटर का मॉडल लिखा हुआ है और वो सिलेक्टेड है। इसके नीचे रेजोल्यूशन लिखा हुआ है जो कि दरअसल स्क्रीन एरिया और स्क्रीन क्वालिटी के मुताबिक है। यहाँ से हम अपनी स्क्रीन की क्वालिटी में चेंजेस कर सकते हैं। रेजोल्यूशन के सामने बना हुआ ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करने पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो लिस्ट आई है उसमें 4 ऑप्शंस हैं। यहाँ से हम हर एक को बारी बारी सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप ऊपर बने हुए LCD मॉनिटर में स्क्रीन एरिया के अंदर होने वाली तब्दीली को आसानी से देख सकते हैं। रेजोल्यूशन के नीचे ओरिएंटेशन की ऑप्शन दी गई है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनको बारी बारी चेंज करके हम LCD मॉनिटर में प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे मज़ीद आप ऑप्शंस देख रहे हैं। राइट साइड पर एडवांस सेटिंग लिखा हुआ है। इस पे हम उस वक्त क्लिक करते हैं जब हम कंप्यूटर की इंटरनल या अंदरूनी सेटिंग को तब्दील करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल हम कंप्यूटर की इंटरनल सेटिंग्स के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए हम इस बटन को क्लिक नहीं करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम कंप्यूटर पर काम करते हुए कहीं रुक जाएं या कुछ पता ना होने की वजह से या कोई काम गलत कर दें तो हम किस तरीके से मदद हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले डेस्कटॉप पर मौजूद कंप्यूटर के आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। जो विंडो हमारे सामने आई है, अब हम कीबोर्ड की F1 की प्रेस करेंगे।
अब जो विंडो हमारे सामने ओपन हुई है उसके टाइटल बार में विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट लिखा हुआ है। इस विंडो के नीचे वर्किंग विद कंप्यूटर फोल्डर लिखा हुआ है और स्क्रॉल बार की मदद से नीचे मजीद इससे रिलेटेड आइटम्स हम देख सकते हैं। हम इसमें से फर्स्ट आइटम पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही आइटम के बारे में तमाम डिटेल्स हमारे स्क्रीन पर आ चुकी हैं।